मैं इसको अभी देखिए प्रेस करके रखता हूँ, ये देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। होंडा सिटी की फिफ्थ जनरेशन का करंट फेसलिफ्ट मॉडल मेरे पीछे खड़ा है। करीबन 25 सालों से इंडियन बायर्स की सबसे पहली पसंद रही है। अगर मैं सेडान सेगमेंट की गाड़ियों की बात करूँ तो इस गाड़ी का नाम सबसे टॉप लिस्ट पे आएगा। तो चलते हैं इस फेसलिफ्ट वेरिएंट को देखते हैं और देखते हैं क्या क्या होंडा ने इसमें अपडेट किए हैं और इसके फीचर्स को डिटेल में जानते हैं। सामने से जो गाड़ी का लुक है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ इसकी क्रोम की ग्रिल की जो विथ है उसको थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है। स्पोर्टी बम्पर है, फुल एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि 9 एरे इनलाइन शेल के रूप में, इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल और एल शेप टर्न सिग्नल मिल जाते हैं, एलईडी फॉग लैम्प भी आपको इसके साथ गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और सामने से देती है एक बहुत ही स्टाइलिश प्रीमियम लुक। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है। टर्न इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम। बात कर लेते हैं आप गाड़ी के कुछ रियर लुक की, रियर लुक को भी देखने से ज़्यादा आपको कुछ विजुअल चेंज नज़र नहीं आएंगे। अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्युटली सेम है, बट ये लिप टाइप, ये जो स्पॉइलर है बूट के ऊपर, ये गाड़ी के अंदर ऐड किया गया है। जेड टाइप एलईडी टेल लैंप अभी भी हैं और कुछ स्पोर्टीनेस ऐड करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बम्पर के नीचे एक ये एडिशनल क्लैडिंग दे दी है। साथ ही आपको बम्पर में मिल जाते हैं सेंसर्स, सेंटर में होंडा का लोगो, स्मॉल कम्फर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर विच इज़ रिमोट बूट ओपनिंग। अब आप इसको प्रेस करके रखिए और सामने आपका बूट ओपन हो जाएगा अलॉन्ग विद द ब्लिंक ऑफ हजार्ड लैम्प। बूट को देख लेते हैं, बूट के मामले में होंडा सिटी कभी भी अपने सेगमेंट में पीछे नहीं रही है। 530 लीटर का ह्यूज एडुकेट बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगेन जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो इसके नीचे ही है। बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग फीचर की, गाड़ी के सेंटर लॉकिंग के रिमोट में अगर आप देख रहे होंगे तो 4 कंट्रोल स्विचेस आपको नज़र आ रहे होंगे, पहला लॉक एंड अनलॉक का, दूसरा बूट ओपनिंग का और तीसरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमोट इंजन ऑन का, रिमोट इग्निशन ऑन एंड ऑफ का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको अभी देखिए प्रेस करके रखता हूँ, ये देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। सो बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है, गाड़ी की की से ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन एक इंटरेस्टिंग फीचर बताना चाहता हूँ, अब देखिए मैं इस गाड़ी को ओपन करता हूँ और गाड़ी को मैं क्लोज कर देता हूँ विदाउट लॉकिंग दिस डोर। की को अपनी पॉकेट में रख के इस गाड़ी से करीबन 5 फीट की दूरी पे चला जाता हूँ तो गाड़ी अपना आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अभी देखिए मैं डिस्टेंस पे जा रहा हूँ और चाबी की मेरे हाथ में है और मैंने इसको लॉक नहीं किया है। सो देखिए गाड़ी अनलॉक नहीं हुई है। सो बहुत ही कन्वीनियंस फीचर है। चलते हैं अब इसके अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर एडिशनल ऐड किए हैं। सो ऑफ कोर्स स्मार्ट एंट्री है, एक ऐसी गाड़ी जो आपको 10 साल की वारंटी देती है। इमेजिन करें सेडान सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी जो आपको 10 साल की अनलिमिटेड वारंटी देती है। गाड़ी का इंटीरियर अगेन बहुत ही लग्जरी लुक है, हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर आप देखेंगे गाड़ी के इंटीरियर में, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग कॉलम की। स्टेयरिंग कॉलम लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है विद ऑल वाइटल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग वॉल्यूम अप एंड डाउन सोर्स सेटिंग्स अलॉन्ग विद ब्लूटूथ एंड फोन कंट्रोल विद वॉइस कमांड कंट्रोल। अलॉन्ग विद इट देर आर फ्यू एक्स्ट्रा कंट्रोल्स यू कैन सी हेयर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अडास। अडास फीचर के ये कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग के ऊपर ही मिल जाते हैं इंक्लूडिंग अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन चेंज मिटिगेशन एंड लेन ड्राइविंग असिस्ट का फीचर। सिटी अब आती है एडास फीचर्स के साथ जिसके अंदर आपको कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आप विजुअल देख रहे होंगे जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, कैसे गाड़ी अपने आप को सेफ महसूस करती है। और उसी के साथ साथ आपको मिलता है लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम जो गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद आ जाता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद लो स्पीड फॉलो जो गाड़ी का डिस्टेंस मेंटेन करता है आगे वाली गाड़ी से। साथ ही साथ ऑटो हाई बीम मिल जाता है जिसमें ऑटोमेटिकली लो से हाई बीम हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है वो है लीड कार्ड डिपार्चर नोटिफिकेशन सिस्टम। इसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पैडल शिफ्ट अलॉन्ग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। डोर पैनल की फिनिश और आर्मरेस्ट की फिनिश दोनों आपको हैंड स्टिच प्रीमियम लेदर में मिल जाती है। साथ ही साथ आपको ग्लव बॉक्स के ऊपर भी ये लेदर की फिनिश दी गई है, अगेन इट इज़ ए हैंड स्टिच। और इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहली गाड़ी है इस सेगमेंट की जिसके अंदर आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं।
7 इंच का ही MID स्क्रीन मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है आपको। बात करें अगर स्मॉल स्मॉल यूटिलिटी स्पेस की, तो कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको सेंटर कंसोल के आगे, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है सेंटर कंसोल के आर्मरेस्ट के नीचे एक एडुकेट स्पेस। इस गाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर विच इज अ सनरूफ। सो ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी फीचर, गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिल जाती है, तो बहुत एडुकेट स्पेस मिल जाता है। हालांकि कर्टन की मैनुअल क्लोजिंग है, साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे अगेन रीडिंग लैंप एंड डोर लॉक अनलॉक का बटन एंड एंटी ग्लेयर IRVM मिल जाता है आपको, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है एज पर डे एंड नाइट रिफ्लेक्शन। सो ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड बोथ द सनवाइजर कम्स विद द मिरर, और सेंटर कंसोल में ही आपको मिल जाता है फ़ोन रखने का एक डेडिकेटेड स्पेस। साथ ही आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं फॉर चार्जिंग फ़ोन, एंड 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ESP ऑफ का बटन, और AC के चारों तरफ सिल्वर कलर की फिनिशिंग आपको दी गई है। बात कर लेते हैं अभी रियर सीट की। रियर सीट की जो वन ऑफ द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, वो है इसका रियर सनशेड। गाड़ी में आपको रियर सीट के लिए आपको मिल जाता है सनशेड, और साथ ही आपको मिल जाते हैं रीडिंग लैंप्स, ये देखिए। और अगर मैं बात करूं अगेन कंफर्ट की, तो रियर AC वेंट आपको मिल जाते हैं अलॉन्ग विद 2 पावर सॉकेट्स। सो जिसके अंदर आपको चार्जिंग के सॉकेट मिल जाते हैं 2। रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स। ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, चारों डोर पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, और रियर सीट पॉकेट मिल जाती है आपको विद अ डेडिकेटेड मोबाइल पॉकेट। अगर ये आइए बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। अभी आपको स्क्रीन पे कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग गाड़ी की पावर टॉर्क ट्रांसमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, तो CVT ट्रांसमिशन आपको 18.4 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देता है, और इसी के साथ साथ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 17.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देता है सिटी कंडीशंस में।